हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो बना रही हूँ आज मैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो डाला था, प्रिया के जो छोटे छोटे कपड़े थे, जो पुरानी यादें थी बचपन की, बच्चों की, वो मैंने आप लोगों से शेयर की। तो उसमें कमेंट आए थे कि मैंने जैसे बोला था ना, मैंने आप लोग बोलोगे तो मैं दोनों बच्चों के और शेयर करूँगी। तो कपड़े तो मैंने उसी टाइम निकाल लिए थे, एक साथ निकाल लिए थे, लेकिन बहुत सारे कपड़े हो रहे थे तो इस वजह से इन बच्चों के नहीं दिखाए थे। दोनों बच्चों के मैंने सिर्फ प्रिया के कपड़े दिखाए थे, क्योंकि प्रिया के कपड़े कुछ ज़्यादा ही रखे हुए थे मेरे पास। बाकी मैंने ऐसे ही दे दिए, जैसे कि किसी के काम आ जाए बच्चे, मतलब कपड़े बच्चों के, तो ऐसे करके मैंने दे दिए थे। लेकिन अभी छोटे छोटे कपड़े मेरे पास और रखे हुए थे तो उनको मैंने निकाला था, थोड़ी धूप वूप लगाई, धोए। तो इस तरीके से मैं करती रहती हूँ, जैसे कि धूप लगाना बच्चों के। और काफ़ी सारे जैसे हमारे बाकी कपड़े भी होते हैं ना, जैसे जिन साड़ियों को हम नहीं पहनते हैं उनको हम रख देते हैं, ब्रीफ केस वगैरह में रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, तो उनको धूप लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मैं धूप वगैरह लगाती रहती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो इस वजह से मैंने जब ये एक साथ ही निकाले थे ये कपड़े, और अब मैं इन कपड़ों को रखने जा रही थी, मैंने कहा इनको पैक करके फिर से रख देती हूँ। तो सोचा पहले आप लोगों को दिखा दिया जाए जो छोटे छोटे कपड़े हैं। मुझे तो भाई बहुत अच्छे लगते हैं, और आप लोगों ने भी कमेंट किए थे कि ये मतलब बहुत अच्छा लगा छोटे छोटे कपड़ों को देखकर बच्चों के, जैसे कि प्रिया के जो कपड़े थे, तो आप सबको भी मतलब पसंद आए थे। तो मैंने सोचा चलो इनको भी दिखा दिया जाए, ये जो छोटे छोटे मेरे पास रखे हुए हैं दोनों बच्चों के कपड़े, तो इनको भी दिखा दिया जाए। तो देखो इनको दिखाती हूँ मैं, छोटे छोटे कपड़े, जो कि देखिए कितने छोटे छोटे से हैं। और ये सर्दियों की ड्रेस है, बहुत छोटी सी है, तो अभी और नए जैसे लगते हैं। देखो बिल्कुल भी नए जैसे लगते हैं, क्योंकि अब छोटे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो इस वजह से ना ये ज़्यादा तो पहने नहीं जाते, क्योंकि हर महीने बाद इनके बच्चों के कपड़े चेंज होते हैं। तो इसके साथ का ये पजामा है, पूरी ड्रेस है, तो ये भी रखी हुई है मेरे पास, धो के सुखा के मैंने तैयार कर लिए हैं रखने के लिए। और गर्म कपड़े हैं, और देखो ये भी गर्म है, देखो किस तरीके से, ये भी छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है उससे बड़ा है, जैसे छोटे वाले कपड़े हैं ना इनसे कुछ बड़ा है, देखो ये छोटू छोटू से। तो इनके भी इसी तरीके से हैं सब छोटे छोटे कपड़े। अब होता है ना जैसे घर में कोई बच्चा होता है तो छोटा उसको पहना दो, लेकिन हमारे घर में अभी कोई बच्चा नहीं है तो उसको पहनाए नहीं है, रखे ही हैं, या कभी काम आ जाते हैं रखे रहते हैं। तो जैसे शुरू शुरू में बच्चों को कपड़े पुराने पहनाने पड़ते हैं, तो इस वजह से एक दूसरे के काम आ जाते हैं। तो देखिए ये हैं छोटे छोटे से कपड़े, आप लोग जरूर बताना कमेंट करके आप लोगों को कैसे लगे। और ये देखिए ये दो थी इसके साथ इस तरीके की टी शर्ट, ये ब्लू है और ये दो कलर की है लाइनिंग वाली, जो कि छोटी छोटी देखो अच्छी लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है। कपड़े तो कोई से भी हों, लेकिन छोटे जब होते हैं ना तो छोटे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अभी इनके कपड़े ना कहीं रखे हुए हैं, जैसे कि छटी वटी हुई थी ना, वो कपड़े भी कहीं रखे हुए हैं। तो देखो इस तरीके के कपड़े हैं, और ये मैंने सब धो के रख दिए। प्रिया के जैसे थे ना तो वो बटन वाले थे, इस तरीके की इनर भी रखी हुई हैं, कुछ बटन वाली थी जो मैंने किसी के यूज वाली दे दी। देखो ये है हाफ, और छोटू छोटू से कपड़े जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। देखो देखो एक ड्रेस ये है, ये भी गर्म है, मतलब जैसे कि खाली पहना सकते हो, जो ठंड होती है ना थोड़ी ठंड होती है तो खाली पहना सकते हो इनको, तो ये भी इस तरीके के है। और इसके साथ पजामा है, जो कि अभी ऐसे ही रखे हुए हैं सब कुछ बहुत अच्छे से, जो कि देख सकते हैं आप, मतलब पुराने नहीं लग रहे ना बिल्कुल,
और धो के रख दो तो फिर वही। एक तो ऐसा होता है कि अच्छे वाले अगर कपड़े खरीदते हैं ना, कोई भी हो, थोड़े मतलब रेट का भी फर्क होता है। जैसे अच्छे रेट में लेते हैं तो वो चीज़ क्या है, खराब नहीं होती। अभी भी हम जैसे कभी खरीदेंगे तो आप इसकी यही पहचान होती है कि जो अच्छे कपड़े होते हैं वो खराब नहीं होते, और थोड़े सस्ते वाले ले लेते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, ये कहावत है, गांव की कहावत है ये। हमारे जो मतलब पापा वगैरह ऐसे बोला करते थे उस समय पे, तो वो कहावत ना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो एक बार कोई चीज़ लेते हैं ना तो अच्छी ले लो, तो वो आपकी खराब नहीं होगी। और जो सस्ती वाली ले लेंगे, वो आते ही एक दो दिन पहनाया, यहाँ से उधड़ गया, वहाँ से उधड़ गया, वो ऐसे ही शुरू हो जाता है उधड़ने में। तो देखिए इस तरीके के कपड़े हैं। अभी ये भी है, ये तो शायद ये प्रिया का ही है, ये भी रखा हुआ है, उस दिन मैंने दिखाया नहीं था शायद, तो ये भी रखा हुआ है इसके साथ का। ये पैंट है और ये सारे कपड़े इन दोनों के हैं। और मेरे यहाँ ना ऐसे ही पहने हैं बच्चों ने कपड़े, जैसे कि पहले बड़े वाले के लिए लिए, फिर वो रख लिए, उठा उठा के रख लिए, फिर छोटे वाले के यूज में भी आ गए। तो इसी तरीके से होता है घर में, अगर दो तीन बच्चे होते हैं ना, तो पहले कपड़े खरीद लो, फिर नए कपड़े, कहीं जाने आने के जो कपड़े हैं ना, उसको नए ले लेते हैं, और जो घर में पहनने के लिए हो, अब ये कोई बेकार तो है नहीं है, तो घर में यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इसी तरीके से मैंने तीनों बच्चों को यूज किया है, और हमारी प्रिया ने तो ये समझ लो जब तक समझती नहीं थी, तब तक हमने फ्रॉक वगैरह इस तरह की चीज़ें पहनाई उनको, और जब थोड़ा सा समझ आने लगी ना, तो वो बच्चों के इन्हीं के दोनों के कपड़े पहनती थी, मुझे भी। और वो आज भी ऐसी है, किसी की भी टी शर्ट लोवर किसी का भी पहन लेती है, उसको आदत है ऐसी। तो ऐसे ही होता है, बेटियां ज़्यादातर मतलब जैसे टी शर्ट वगैरह यही चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं, जीन्स वगैरह। और हमारे घर में तो ऐसी आदत है कि इसने शुरू से ही वही चीज़ पहनी है ना, टी शर्ट वगैरह, तो कभी कुर्ता वगैरह पहन लेती है ना, सूट पहन लेती है, क्योंकि कॉलेज में भी सूट है, पहले स्कूल में जाती थी तब भी सूट है, सूट था इसका, और पहले स्कर्ट टॉप थे, शुरू शुरू में छोटी थी तब स्कर्ट टॉप थे। तो जब भी सूट पहनेगी ना, तो हमारे बाऊजी को ही पसंद नहीं आता था, लेकिन हर बात में आप लोगों ने देखा होगा, बाऊजी की याद बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि होता है ना, जब कोई भी बात चलती है, कुछ भी होता है, तो बाऊजी का नाम जरूर याद आता है। और बच्चों से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार था, प्रिया से तो इतना प्यार था कि बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत याद करती है और देख भी लेती है, सपने में भी देख लेती है उनको, बाऊजी को, उसे याद करती है तो दिख जाते हैं, तो अच्छा लगता है ना। हमारे वो भी हमें इसी तरीके से याद करते होंगे जैसे कि हम करते हैं। तो आज बातों बातों में ना बाऊजी की याद आ गई। तो देखिए मैंने सारे कपड़े आप लोगों को दिखा दिए, कितने सारे कपड़े हैं देखो, सब इकट्ठे करके रखे थे, अभी इनको तय बना के और अभी उठा कर रखूंगी इनको, फिर से उसी तरीके से पैक करके रख दूंगी, तो ये गंदे भी नहीं होंगे, ऊपर सेफ में रख कर आऊंगी। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।